हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ओरियर और मैं हूं राकेश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक दिखाऊंगा, इससे आप अपने कंप्यूटर को और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो देखिए लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक कर दीजिए एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो मैनी मैनी थैंक्स एंड इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेमो दिखाता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। तो यहाँ पे मैं एक फाइल को सिलेक्ट किया हूँ, तो आपको लग रहा होगा एक पिक्चर है, क्यों सही, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई पिक्चर नहीं है। ये देखिए, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये एक फोल्डर है। तो आपको पता चला कि एक फोल्डर है, नहीं ना? तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी फोल्डर के जो आइकन है उसे भी चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर को आइकन की रूप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे किसी भी फोल्डर का जो आइकन है उसे चेंज कर सकते हैं। ये लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में ही काम करेगा। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप को ओपन करना होगा। तो ये देखिए, फोटोशॉप को मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप सीसी ओपन हो चुका है। तो इसके बाद आपको फाइल ऑप्शन में जाना होगा, ये देखिए, इसके बाद ओपन। यहाँ से आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिसको आप आइकन बनाना चाहते हो। तो ये देखिए, इस फोटो को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, वो पिक्चर आ चुका है। तो आपको क्या करना है, तो आपको इस बार इमेज ऑप्शन में जाना होगा। ये देखिए, यहाँ पे जाने के बाद इमेज साइज, तो आपको यहाँ से इमेज साइज को सिलेक्ट करना है। जो भी मैं लिखता हूँ उसे आपको कॉपी करना है। तो लिखने के बाद ओके पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये पिक्चर छोटा हो चुका है। तो आपको इस पिक्चर को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए फाइल ऑप्शन में जाएंगे एंड इसके बाद सेव एज। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो एंड किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो। किसी भी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। तो सेव हो जाने के बाद आपको फोटोशॉप को क्लोज कर देना है। तो इसके बाद आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना है। तो ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑनलाइन कॉन्वर्टर .com। ये देखिए, तो सर्च करने के बाद सबसे पहले जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। तो ये रहा वो वेबसाइट। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए पॉपुलर कॉन्वर्शन। तो यहाँ से आपको PNG to ICO पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड फाइल। तो यहाँ से आपको अपलोड करना है उस फोटो को, जिस फोटो को आपको फोटोशॉप सीसी से सेव किया था। तो ये देखिए, यहाँ पे अपलोड करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा एंड उसके बाद अपलोड हो जाने के बाद स्टार्ट कॉन्वर्टिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा समय लेगा एंड स्टार्ट कॉन्वर्टिंग पे क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। एंड सेव हो जाने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइल कॉन्वर्ट हो जाने के बाद ये रहा वो फाइल। तो इसको मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा वो फाइल एंड आप देख सकते हैं आइकन ICO इस फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। तो इस फोटो को मैं अब चेंज करके दिखाता हूँ किसी भी फोल्डर के जो आइकन है। तो ये देखिए, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ये देखिए। तो इसके बाद इस फोल्डर का कोई भी नाम देता हूँ मैं, देखिए राकेश लिखा।
एंड इस फोल्डर का आइकन में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए राइट क्लिक किया एंड प्रॉपर्टीज पे गया एंड उसके बाद कस्टमाइज, कस्टमाइज पे आने के बाद चेंज आइकन। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट कुछ आइकन आपको मिलता है, लेकिन आप किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद उस फोटो को सिलेक्ट करना है, ये देखिए। तो ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं फ़ोटो आ चुका है, यानी कि वो आइकन आ चुका है। एंड उसके बाद अप्लाई, जैसे ये अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फोल्डर का आइकन चेंज हो चुका है। तो आपको डबल क्लिक करना है इसमें, ये देखिए ये फोल्डर ओपन हो चुका है। तो आप किसी भी फोटो को इस तरह से आइकन के रूप दे सकते हैं, सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके। दो बातों को आपको ध्यान रखना है, एक तो फोटोशॉप में जो साइज में दिखाया है उस साइज को आपको लेना है, और दूसरा वेबसाइट में से जो भी कन्वर्ट होके आएगा उसको ही सिलेक्ट करना है आइकन में।